कहावत है कि जाके पाँव ना फटे बिबाई, वो क्या जानी पीर पराई। आजकल बहुत से गैर दलित ये कहने लगे हैं कि अब कहाँ जाति बची हुई है, कहाँ जातिगत भेदभाव होता है। अब तो जमाना पूरी तरीके से बदल चुका है और छुआछूत भी खत्म हो चुकी है, सब बराबर हो चुके हैं। और बड़े बड़े राजनेता भी दलितों के घर जाकर खाना खाने लगे हैं, लेकिन जाहिर है कि ये लोग जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। दलितों के घर खाना खाने का चलन भारतीय राजनीति में बेइंतहा बढ़ने लगा है, लेकिन जब दलित उनके यहाँ खाना खाने जाए और भोजन की थाली गलती से भी छू ले तो कयामत आ जाती है। उन्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां पर भोजन की थाली छूने पर एक दलित युवक को बेरहमी से पीटा गया। देखिए खास रिपोर्ट। छुआछूत और भेदभाव का अंतहीन सिलसिला, बेरहम समाज की खोखली मानसिकता, भोजन की थाली छूने पर दलित युवक को जमकर पीटा, छुआछूत मामले में 8 दबंगों पर मुकदमा दर्ज। आखिर कब रुकेंगे दलितों पर अत्याचार? उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार का अंतहीन सिलसिला बदस्तूर जारी है। आए दिन यूपी के किसी न किसी गांव, कस्बे और शहर में दलित उत्पीड़न घटना सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला यूपी के गोंडा से सामने आया है, जहां निमंत्रण में खाना खाने गए एक युवक को भोजन की थाली छूने के कारण सवर्ण युवकों ने जमकर पीटा। दरअसल गोंडा जनपद के वजीरगंज के गांव नौबस्ता में बहुभोज का कार्यक्रम था। इस समारोह में निमंत्रण खाने आए कुछ लोगों के भोजन की थाली एक दलित युवक ने छू ली। इससे नाराज लोगों ने उस दलित युवक की जमकर पिटाई की। भाई की पिटाई से आहत बहन ने वजीरगंज थाने में 8 लोगों के विरुद्ध दलित उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। सर, मेरे गांव के चाचा हैं, उनके यहाँ बहुभोज का कार्यक्रम था, तो उसमें मेरा छोटा भाई खाने के लिए गया था। खाने का स्टॉल संदीप पांडे के यहाँ लगा था, उनके द्वार पे। तो ये अपने वहाँ बफर लगा था, तो ये लगभग 7:30 बजे अपने हाथ से इसने खाना निकाल लिया। उसके बाद में इसने खाना निकाला, संदीप वहीं पे खड़े थे। उसने कहा कि काहे तुम इसे कच्छों को काहे छू लिए, खाने को काहे छू लिए तुम। उसने कहा कि उसने कुछ बोला नहीं, तुम्हारा निकाल के अपने थाली में रखा जैसे खाना। उन संदीप दौड़ के इसे मारने लगे, मारने पीटने लगे। और ये संदीप थे, अमरेश पांडे थे, बहुत लोग थे वहाँ पे। उसके बाद में ये वहाँ से रोते रोते घर चले आए। उन्होंने कहा कि शूद्र, हाँ गाली दी मतलब ऐसे जातिवाद को लेके। और उसके बाद में ये घर चले आया। जब ये घर आया रोते रोते, तो ये बताने लगा। जब तक ये बताता ही रहा, वो लोग 5 मिनट बाद फिर यहाँ चले आए घर पे, लाठी डंडा लेके। जितने लोग थे, 30-35 लोग, सब लोग आ गए, सब लोग आ गए घर पे। हम लोग दरवाजा बंद करके किसी तरह अपनी जान बचाए। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप है कि उसका छोटा भाई अभिनंदन उर्फ लल्ला गाँव के चाचा के यहाँ बहुभोज कार्यक्रम में खाना खाने गया था। वहाँ पर संदीप मांडे के दरवाजे पर भोजन का इंतजाम किया गया था। सभी लोग खाना खा रहे थे, उसका भाई भी पत्तल में खाना निकाल कर खाना खाने लगा। इसी दौरान संदीप की थाली गलती से दलित युवक ने छू ली। बस फिर क्या था, संदीप नाराज हो गया और उसके साथ अभद्रता कर मारपीट करने लगा। इसके बाद जब अभिनंदन उर्फ लल्ला घर लौट कर आया, तो संदीप पांडे, श्रवण पांडे सहित अन्य 7-8 लोग उसके घर पहुँच गए और उसके भाई की लाठी डंडे से पिटाई करने लगे। अभिनंदन का बड़ा भाई सत्यपाल बचाने दौड़ा, तो उसको भी मारा पीटा और बाइक तोड़ दी। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि इस मामले में दलित उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और एस्ट्रो सिटी सहित विभिन्न धाराओं के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। जनपद गोंडा थाना वजीरगंज में 9 दिसंबर के सायंकाल एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक बड़ी बहन ने अभियोग पंजीकृत कराया है कि उसका छोटा भाई बहुभोज में खाना खाने गया था, वहाँ मारपीट किए। इस संबंध में CST एक्ट और जो धाराएं बनती है मारपीट की, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और क्षेत्राधिकारी तरफगंज के द्वारा जो है उसको जाँच की जा रही है। और
उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार का अंतहीन सिलसिला बदस्तूर जारी है। आए दिन उत्तर प्रदेश या भारत के किसी न किसी गांव, कस्बे या शहर से ऐसी खबरें आती ही रहती है कि फलाने शहर में दलित उत्पीड़न की घटना सामने आई, फलाने जगह दलितों को मारा गया, पीटा गया, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दी। तमाम प्रकार की खबरें जो है आए दिन भारत के किसी न किसी कस्बे, शहर या गाँव से आती रहती है। लेकिन ऐसा ही एक जो मामला है उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से सामने आया है। इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता तोफैल खान, गोंडा से जुड़ चुके हैं। तोफैल, किसी न किसी तरह से ये खबरें आ ही जाती है कि फला जगह पर दलित को मारा गया और उसके साथ में अत्याचार किया गया, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि आखिर हमारा समाज किस रसातल में चला जा रहा है। निश्चित रूप से जो राजनीति है और या राजनेता है, ये जो भी दावे करते हैं एक सामाजिक समानता की, लेकिन वो जमीनी हकीकत से कहीं बहुत दूर है। अगर देखा जाए आज भी सामाजिक जीवन में आज भी उतनी ही आत्ममंता पाई जाएंगी जितनी ही कहीं 100 साल पहले सुनी जाती थी या पढ़ी जाती हैं। लेकिन जो ताजा उदाहरण आया है वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो नौबस्ता गांव है, वो महज इतना ही मामला था कि एक प्रोग्राम था, बहुभोज था, उसमें सभी लोग आमंत्रित थे और इसी में ये भी दलित परिवार भी आमंत्रित था। ये लोग वहां जाते हैं और वहां प्लेट उठाते हैं, इसी दौरान सर्व जाति के कुछ युवक होते हैं और उनकी प्लेट से इनकी प्लेट लड़ जाती है। इतने पे वहां नोकझोंक करते हैं, वो युवक नोकझोंक करते हैं, हालांकि वहां मारपिटाई नहीं करते हैं, लेकिन जिसके बाद ये सर्व जाति के जो युवक हैं ये वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद ये उनके घर पर दलित परिवार के दलित युवक के घर पर चढ़ाई करते हैं और हमला बोलते हैं और जिसमें जो है कई लोगों को घायल भी कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जब दलित परिवार पुलिस की सहायता जो है लेती है, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, जिसके बाद उसकी कहीं जान बच पाती है और हालांकि उस वक्त जो भी ये जो युवक थे ये चारों फरार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर एक तारीफ करनी पड़ेगी तो पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर की, उन्होंने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया और तत्काल टीमें गठित की और उन्होंने निर्देश किया कि 24 घंटे के अंदर ये जितने भी आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। निश्चित रूप से उसका जो एक प्रभाव है, असर है, वो देखने को भी मिला कि 24 घंटे के अंदर वो युवक जो दलित के नाम पर उत्पीड़न किया, दलित के नाम पर उनकी पिटाई किया, एक जो थाली है वो उनके थाली से छू जाने पर उन्होंने ऐसा किया, जिसके बाद चारों युवक आज गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक युवक है संदीप पांडे है और उसमें श्रेयस पांडे हैं और अजीत मिश्रा हैं, इस तरीके के अशोक पांडे हैं, इस चार युवक हैं जो आज गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि महज किसी एक दलित युवक की किसी एक सरवण जात की युवक से थाली टकरा जाए और उसकी इस तरीके से पिटाई हो, उसके घर पर चढ़कर पिटाई हो, ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। निश्चित रूप से जो राजनेता कहीं ना कहीं ये ढोल सामाजिक समानता का पीटते हैं या घरों में खाना खाते हैं, उनको ऐसी हकीकत को परखनी चाहिए और पहला काम वो सामाजिक समानता को लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद वो खाना खाएं तो शायद कहीं ना कहीं वो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, लेकिन तोफैल यहाँ पर सवाल यह है कि इस तरीके की मानसिकता समाज में आती कहाँ से है? लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आज का भारत आधुनिक भारत हो चुका है, हम कहाँ पहुँच चुके हैं? टेक्नोलॉजी के जमाने में भारत आधुनिक हो चुका है, तमाम संसाधनों से भारत भरपूर हो चुका है, लेकिन ये जातिगत मानसिकता से समाज कब तक उभर पाएगा? रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और एक गंभीर भी सवाल है। जी ये जो आज भी मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता कह ले या ऐसे जो भी हो जातियों को लेकर जो मानसिकता है, ये आए दिन कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता है और आज ये जो ताजा उदाहरण सामने को देखने को ना एक नजीर है उन सब लोगों के लिए है जो ढोल पीटते हैं, खासकर सामाजिक समानता की या ऐसे लोगों दलितों की बराबरी की बात करते हैं। लेकिन अगर आप अंदाजा लगाइए कि एक तो प्रकरण है जो सामने आया है और इस तरीके से लोग उसी को देख सके कि हाँ आज भी दलितों के प्रति जो मानसिकता है वो कितनी भी विपरीत है और उसका खामियाजा किस तरीके से एक दलित
परिवार को, दलित युवक को भोगना पड़ता है। तो ये तस्वीर काफी है ऐसे लोगों को लेकिन जानने के लिए। तुफैल, हमने जब भी देखा कि कोई राजनेता, हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बात करेंगे, तमाम राजनेताओं की भी बात करेंगे, क्योंकि हमने उनको देखा है दलितों के घर खाना खाते हुए। जब वो दलितों के घर जाते हैं, उनके घर खाना खाते हैं, तो वो समाज को एक संदेश भी देते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो छुआछूत की जो मानसिकता है, हमको समाज से निकालनी है, लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हमने देखा कि जब दलितों के घर कोई राजनेता खाना खाने जाता है, तो पूरी तरीके से एक तरीके से एक ऐसा आदर्श पेश किया जाता है कि वाकई हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उससे हमने इस छुआछूत की जो परंपरा है उसको नकार दिया है। लेकिन जब धरातल पर हम उतरते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं उसको लेकर यह दिल दहल जाता है कि एक तरफ राजनेता दलितों के घर खाना खाते हैं और दूसरी तरफ समाज में यह घटना घटित होती है। निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, दलितों को घर जाते हैं और खाना खाते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि ये भी एक हमारे समाज का हिस्सा है और ये हमारे बराबरी ये समाज के हैं, तो निश्चित रूप से एक संदेश रहता है। लेकिन जो बात नेता के से निकल कर आती है, खासकर वो चीजों लोग एक राजनीति से जोड़ते हैं, क्योंकि वो उन सबको ये पता होता है राजनीति से परे होती है, ये जो तस्वीरें होती है राजनीति से परे होती है, कहीं ना कहीं हम इसको देखें तो निश्चित रूप से राजनीति से परे है और इसको समझने की जरूरत है। क्या ये कहीं पिछले 100 साल की वजह है, ये उसके वजह से ये सब सारी चीजें आज तमाम जानकारी के लिए। जी बिल्कुल, तो फिर तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और ये जिस प्रकार की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आज के भारत में, जहां पर भारत आधुनिक हो चुका है और चांद पर भारत पहुंच चुका है, मंगल ग्रह पर जाने की हम बात करते हैं, लेकिन जब हम अपने ही देश में इस प्रकार का भेदभाव सहते हैं, तो कहीं ना कहीं आज समाज की उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, जो तस्वीरें हमारे पास आती है।